नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए हम नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। दबंग द्वारा 2 वर्ष से बंद किए गए गरीब के दरवाजे को पुलिस ने खुलवाया। प्रकरण है नगर के जल्लापुर नई बस्ती मोहल्ले का। दरवाजा खुलने के बाद हो रही पुलिस की सराहना। नगर के जल्लापुर नई बस्ती में एक दबंग ने दबंगई की सारी हदों को पार कर दिया। गरीब के घर का दरवाजा 2 वर्ष से ईंट जोड़कर उसने बंद कर दिया था। हालांकि रविवार को मोहल्ले से हमराइयों के साथ पहुंचे कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर संजय सिंह यादव ने जांच के बाद दरवाजे को बंद करने वाले उस व्यक्ति से ही किए गए अतिक्रमण को हटवा कर दरवाजा खुलवा दिया। उक्त मोहल्ले में स्थित मुन्नी बानो पत्नी रऊफ का दरवाजे 2 वर्ष पूर्व मोहल्ले के ही मकसूद ने जबरन गुंडई के बल पर बंद कर दिया गया था, जबकि मकसूद का घर मुन्नी बानो के घर से पश्चिम में है और मुन्नी का घर पूरब दिशा में है। मुन्नी बानो के घर से मकसूद का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गरीब और कमजोर जानकर जबरदस्ती व गुंडई के बल पर मकसूद ने मुन्नी बानो के घर के दरवाजे को ईंट से बंद कर दिया था। मुन्नी बानो इस प्रकरण को लेकर कई बार तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र भी दे चुकी है। 2 वर्ष बाद भदोही कोतवाली पुलिस क्राइम इंस्पेक्टर संजय सिंह यादव मई पुलिस के साथ मुन्नी बानो के घर प्रकरण की जांच करने के लिए मोहल्ले में पहुंचे। देखा कि मकसूद सरासर गलत है और उसने मुन्नी बानो का दरवाजा ईंट लगाकर बंद कर दिया है। क्राइम इंस्पेक्टर संजय सिंह यादव ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मुन्नी बानो के दरवाजे को जो बंद पड़ा था उसे मकसूद के ही हाथों से खुलवाया। मकसूद को चेतावनी देते हुए मुन्नी बानो के घर के सामने अतिक्रमण था उसे हटा लेने की हिदायत भी दी। इस तरह मुन्नी बानो के साथ क्राइम इंस्पेक्टर संजय सिंह यादव द्वारा किए गए इंसाफ की लोगों ने सराहना की। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, अबेदुल्लाह असरी की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज के साथ।